राधे कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। मैं हूं पूजा। दोस्तों, सावन के महीने में वैसे तो बड़ी धूमधाम होती है, और अगर आप वृंदावन जाओ तो सावन लगते ही वहां पर आपने देखा होगा बिहारी जी के फूल बंगले चालू हो जाते हैं। और जिस किसी भी व्यक्ति को फूल बंगले की सेवा लेनी होती है, उनको एक साल दो साल पहले से ही लिखवाना पड़ता है ताकि उनको फूल बंगले की सेवा मिल सके। और दोस्तों, हरियाली तीज पर ठाकुर जी को बाहर लाया जाता है, जिसमें वे सोने के हिंडोले में झूला झूलते हैं। तो उस दिन से ही दोस्तों झूलन यात्रा भी चालू हो जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए घर पर ही फूल बंगला सजाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला सजाती हूँ। दोस्तों, कुछ तैयारियाँ यहाँ पर मैंने पहले से करके रखी हुई हैं, जैसे कि मैंने चौकी के ऊपर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर फूल बंगला लगाकर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फूल बंगले को घर पर ही तैयार किया है, बहुत ही ईजिली बन जाता है। आप चाहें तो आप इसको ऑनलाइन अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। 450 रुपये से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। आप लोकल मार्केट में जाकर भी फूल बंगला ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको घर पर ही तैयार किया है। बहुत ही आसानी से तैयार हो गया था। अमेजोन से जो पार्सल्स आते हैं उसमें जो बॉक्स निकलता है उसकी हेल्प से मैंने ये फूल बंगला तैयार किया है। अगर आप चाहें तो इसका वीडियो मैं आपके साथ में जल्द ही शेयर कर दूंगी। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर मैंने फूल बंगले को चौकी के ऊपर रखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल बंगले को डेकोरेट करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए होंगे थोड़े फूल, क्योंकि दोस्तों नाम से ही जाहिर है ये फूल बंगला है, तो इसमें हमें अलग अलग तरीके के फूल चाहिए होंगे। आपके पास में जिस जिस तरीके के फूल हो, आप उन सारे तरीके के फूलों का यूज़ फूल बंगले में कर सकते हैं। उसके साथ ही हम थोड़ी सी तुलसी लेंगे और थोड़ा सा इत्र। मैं यहाँ पर गुलाब के इत्र का प्रयोग कर रही हूँ। अब धीरे धीरे करके दोस्तों, आपने जितने भी फूल लिए हैं उन सारे फूलों को अपने मन मुताबिक आप फूल बंगले में सजा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमारा फूल बंगला अच्छी तरीके से सज गया है। अब हम इसमें जाकर अपने कृष्ण कन्हैया की मूर्ति रखेंगे। यहाँ पर मैं झूले सहित लड्डू गोपाल की प्रतिमा रख रही हूँ, जिनका श्रृंगार दोस्तों हमने पहले से ही करके रखा हुआ है। आप इनको पहले अच्छे तरीके से इनका श्रृंगार करिए, उसके बाद में फूल बंगले में इनको रखिए, क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए इनके आसपास थोड़ी सी तुलसी भी रखिए। तुलसी के साथ ही दोस्तों, अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इत्र जो हमने लिया हुआ है गुलाब का, उसको भी लड्डू गोपाल को अर्पित करना है। आखिर में दोस्तों, धूप दीप जलाते हुए कृष्ण कन्हैया की आरती गानी है। आरती के साथ ही दोस्तों आप इनको झूला भी झुलाएं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं फिर आपसे मिलूँगी किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा।